नमस्कार, जय गणेश। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब का चैनल एस्ट्रोलॉजर नरेश। आज का वीडियो है नक्षत्र सीरीज में तीसरे नक्षत्र कृतिका की चर्चा करेंगे। नक्षत्र शांति के लिए क्या करना है, नक्षत्र की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, नक्षत्र शांति के लिए क्या मंत्र करना है, क्या दान करना है और कैसा है नक्षत्र कृतिका, इसके बारे में जानते हैं इस वीडियो के अंदर। तो आपको बता दें कि जो नक्षत्र 27 नक्षत्र हैं, इसमें से तीसरा नक्षत्र है ये कृतिका है, जिसके नक्षत्र मालिक जो हैं वो सूर्य हैं। तो सूर्य नक्षत्र के मालिक होने के कारण बहुत उग्र प्रकृति करेंगे। सत्ता का ये कारक नक्षत्र है, गवर्नमेंट का कारक है। तो सूर्य का नक्षत्र है तो बहुत तेज नक्षत्र भी है, जिसके कारण इस नक्षत्र में जन्मे हुए जातक का नेचर जो है वो शॉर्ट टेम्पर भी हो सकता है। नक्षत्र कृतिका की कैरेक्टरिस्टिक जानने से पहले बता दें कि नक्षत्र कृतिका का जो प्रथम चरण है ये मेष राशि के अंदर है, जबकि बाकी के तीन चरण जो हैं वो वृषभ राशि के अंदर हैं। तो प्रत्येक नक्षत्र के चार चरण होते हैं, ऐसे इस नक्षत्र का जो प्रथम चरण है वो मेष राशि में पड़ता है, बाकी के तीन नक्षत्र जो हैं ये वृषभ राशि में पड़ते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या है इस नक्षत्र की, मेष राशि कृतिका एवं वृषभ राशि कृतिका नक्षत्र की, कि इसकी जो योनि है ये मेष योनि है। मेष माने भेड़, जो इंग्लिश में इसको शीप बोलते हैं। तो ये बहुत सीधा चलने वाला इसका कैरेक्टरिस्टिक है, इसको झिकझैक पसंद नहीं है। मतलब ये जो जातक हैं ये टू द पॉइंट बात करते हैं, इनके साथ कोई पॉलिटिक्स खेले तो उनको पसंद नहीं आता है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाले, सीधी बात करने वाले ये जातक होते हैं मेष योनि। और इसका जो गण है ये राक्षस गण है। तो राक्षस गण की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि ये जो आपके मित्र बन जाते हैं तो आपके लिए जान दे सकते हैं, और ये जो आपके शत्रु बन जाए तो अपनी जान दे सकते हैं या आपकी जान ले सकते हैं, इतनी हद तक ये शत्रुता भी कर सकते हैं। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। और तीसरा जो नाड़ी है, नाड़ी अंत्य नाड़ी है। अंत्य नाड़ी के कारण क्या होगा कि पित्त प्रकृति ज़्यादा रहती है, शरीर के अंदर एसिडिक रिएक्शन ज़्यादा रहता है, एसिडिटी बहुत जल्दी हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, ऐसी प्रोबेबिलिटी रहती है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है कृतिका नक्षत्र की। कृतिका नक्षत्र के जो मालिक है ये सूर्य है, जिसके कारण तेज तो होगा, सूर्य का तेज होगा। और सूर्य का नक्षत्र है, इसके कारण क्या है कि इसकी दिनचर्या जो है बहुत नियमित होगी, और जल्दी उठ जाना, जल्दी रात को सो जाना, टाइम टू टाइम काम करना, और टाइम के बहुत पाबंदी भी रहते हैं। जिस टाइम पे आपको बोला होगा उस टाइम पे वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, अदरवाइज़ उन्होंने जो आपको टाइम दिया है और उस टाइम पे आप नहीं जाते हैं वो तो भी इनको बहुत बुरा लगता है, क्योंकि टाइम के बहुत पाबंदी रहते हैं, क्योंकि सूर्य का नक्षत्र है। तो ये इसके खास कैरेक्टरिस्टिक है। इसका जो नक्षत्र कृतिका है, इनके जो इनका लकी कलर रहेगा इनके लिए वाइट, क्योंकि संपत्ति देने वाले ग्रह जो उनको इनके लिए चंद्र हो जाता है। नक्षत्र कृतिका की शांति के लिए क्या करना चाहिए, आपको भेड़ को खिलाना चाहिए। भेड़, इंग्लिश में इसको शिप बोलते हैं, भेड़ जो बकरियों के साथ रहता है ये नक्षत्र कृतिका की शांति के लिए भेड़ को खिलाना चाहिए। नक्षत्र शांति के लिए सूर्य का मंत्र आप कर सकते हो, ओम जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम महात्यते तमोरिम सर्व पापकनम प्रणतुष्मि दिवाकरम, ये सूर्य का मंत्र है। यदि आपसे ये करना पॉसिबल ना हो तो आप मंत्र कर सकते हैं, बहुत सिंपल मंत्र है, ओम रीम क्लीम श्री सूर्याय नमः। दिन में तीन बार सूर्य का भगवान का दर्शन करें और भेड़ को खिलाना बहुत लाभदायी रहेगा इस नक्षत्र शांति के लिए। और आप सूर्य का रत्न माणिक हैं वो भी एक्सपर्ट ओपिनियन के हिसाब से आप धारण कर सकते हैं।
तो कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में जो बेल का बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि चैनल से जो भी नए वीडियो अपलोड होता है उसकी आपको तुरंत जानकारी मिले। यदि आप अपना पर्सनल हॉरोस्कोप कंसल्टेशन करवाना चाहते हैं तो नंबर नोट कर लीजिए, इस नंबर पर व्हाट्सएप भी अवेलेबल है। नंबर इस प्रकार है 9998011838, यानी कि 9998011838। आप जहाँ भी रहो खुश रहो, प्रसन्न रहो, हेल्दी रहो, ऐसी शुभकामना के साथ मिलेंगे जल्दी ही नए वीडियो में। जय गणेश।